मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर आकर काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने एक श्रृंखला शुरू की थी गूगल फॉर्म बनाने की, हाउ टू क्रिएट अ एडवांस गूगल फॉर्म ऑन मोबाइल, गूगल फॉर्म को हम मोबाइल पर कैसे बना सकते हैं। और कल हमने इसके ऊपर पहला वीडियो बनाया था। अभी हमारी ये सीरीज चल रही है और मैं आपको, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जब वह गूगल फॉर्म बन जाएगा, उसको मैनेज करने के लिए, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें गूगल फॉर्म ऐप की ज़रूरत होती है। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है ये। हाँ, बीच बीच में थोड़े इसमें ऐड और ब्रेक आते हैं 5 सेकंड के लिए, लेकिन वो मैनेजेबल होते हैं। हम प्ले स्टोर पर चलेंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे गूगल फॉर्म ऐप। ये आ गया है दोस्तों ऊपर, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यह लिखा है फॉर्म्स ऐप सर्वे हार्ट कंटेंट्स एड्स। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें सीखने मिलेंगी। आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, हम यहां से ओपन करेंगे क्योंकि हमारे में ये जो है पहले से ही इंस्टॉल्ड है। यहां ओपन पर जाएंगे दोस्तों। ओपन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहां आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक लिखा हुआ है गूगल फॉर्म्स, नीचे लिखा हुआ है सर्वे हार्ट। ये जो सर्वे हार्ट है दोस्तों, काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है, मुझे अभी खुद कुछ दिन पहले ये पता चला है। इस पर जो है मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन इसके अंदर हैं, आप इसमें सभी तरीके के फॉर्म्स बना सकते हैं, आप इसमें क्विजेस बना सकते हैं, आप हम जो लास्ट में बनाते हैं फीडबैक फॉर्म्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो हम सभी यहां से बना सकते हैं। हाल फिलहाल हम पीछे आते हैं, यहां पर आप जो देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको गूगल फॉर्म्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप उस आईडी से यहाँ पर लॉगिन करेंगे जिस आईडी पर आपका गूगल फॉर्म रन कर रहा है। हम यहाँ गूगल फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी है, वहाँ पर ये जो है कुछ फॉर्म्स बनाए हुए हैं मैंने। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स यहाँ पर शो होने लगता है। अब हमने जो ऊपर फॉर्म बनाया था उस पर हम क्लिक करेंगे, जहाँ लिखा हुआ है 3 new responses। इसमें जब आप लेफ्ट आउट करते हैं उसके बाद जितने रिस्पॉन्सेस आते हैं तो यहाँ पर उसको ये न्यू रिस्पॉन्स के फॉर्म में दिखाता है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ लिखा आ रहा है व्यू रिस्पॉन्सेस, 4 response हमारे इस गूगल फॉर्म पर आए हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है फॉर्म का स्टेटस एक्टिव है। अगर आप चाहते हैं फॉर्म को कुछ देर के लिए बंद करना, जब हम फॉर्म में कुछ अपडेट कर रहे होते हैं, कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं, तो हम सिंपल सा यहाँ पर आके इस फॉर्म को बंद कर देते हैं। अभी ये इनएक्टिव मोड में आ गया है। अब इस फॉर्म को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है कोई भी फॉर्म आपको दिखाई नहीं देगा और वहाँ लिखा आता है आप अपने एडमिन से या आप अपने ओनर से जो है कॉन्टैक्ट करें। नीचे दिख रहा है आपको लिखा आ रहा है एडिट फॉर्म। एडिट फॉर्म हम आपको अभी बताएंगे कैसे हम एडिट कर सकते हैं। आप व्यू रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्सेज दिखा देता हूं यहां के थ्रू। यहां क्लिक करने के बाद आपको 2 बार 5-5 सेकंड का ऐड जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि ये गूगल ने जो है ऐड इंक्लूड किए हुए हैं। हम यहां देखिए व्यू रिस्पॉन्स पर जा रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ पर जो है समरी आती है उसकी, अभी यहाँ समरी डेटा नहीं है क्योंकि 4 responses हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट पर जाने वाले हैं। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद एक ऐड और आएगा, उस 5 सेकंड के ऐड के बाद जो है आपको सीधा एक्सेल की शीट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो है डेटा लोड हो रहा है क्योंकि हमारे गूगल फॉर्म में जो है मल्टीपल आईडीज चल रही हैं, तो उसको जो है चारों आईडीज को यहाँ पर लेकर आना होता है। अभी देखिए इस चलते हुए ऐड के ऊपर ही ये मैसेज आ गया है। हम यहाँ से अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम जो ऊपर अकाउंट दे रखा है उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, ये गूगल शीट आ गई है, जो गूगल शीट जनरेट हुई थी। आप यहाँ देख सकते हैं टाइम आया है, किस टाइम पर कितने समय पर ये फॉर्म में एंट्रीज आई हैं, ये ईमेल एड्रेसेस आए हैं, ये नेम आए हैं, ये मोबाइल नंबर हैं और ये हमारे एड्रेसेस हैं। ये पूरी एक्सेल शीट है।
आप इसको यहाँ पर अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई जो हो जैसे एक्सेल को चलाते हैं वैसे आप चला सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ ऊपर ऑप्शन देख रहे होंगे, ये अंडू और रीडू के जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इसके पास में आपको एक शेयरिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा जो प्लस के साथ एक मैन बना हुआ है। इससे आप इसको जो है जीमेल ड्राइव पर किसी दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ तीन डॉट दिख रहे होंगे, हम तीन डॉट पर जाएंगे। तीन डॉट पर जाने के बाद जो है दोस्तों आप यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसको मैंने कल जो फॉर्म बनाया था उसमें समझाई थी, आप उस फॉर्म को जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ से हम शेयर एंड एक्सपोर्ट करेंगे, शेयर एंड एक्सपोर्ट के बाद हम यहाँ से सेंड ए कॉपी कर सकते हैं। सेंड अ कॉपी करने के बाद आपके पास वही सारे ऑप्शंस हैं, आप जिस भी फॉर्मेट में इसको जो है यहाँ से भेजना चाहते हैं आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको नीचे जो है शेयरिंग के काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं एक्सेट्रा। अब दोस्तों हम आ जाते हैं हमारे फॉर्म पर, जहाँ आप फॉर्म देखेंगे जो हमने अभी यहाँ पर देखा था फॉर्म व्यू रिस्पॉन्सेस। हम अभी इसको एक्टिव कर देते हैं, फिर से ये एक्टिव मोड में आ गया है। अभी एक्टिव मोड में आने के बाद जो है हम आपको दिखाते हैं, आपको अगर फॉर्म देखना है, आपको अगर व्यू फॉर्म करना है, व्यू फॉर्म करने के लिए जो है आप यहाँ व्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे और व्यू फॉर्म पर क्लिक करते ही आपको ये ब्राउज़र पर ले जाएगा और ब्राउज़र पर जाने के बाद जो है आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, ये फॉर्म कैसा यहाँ से दिख रहा है। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है क्योंकि वहाँ पर इनएक्टिव है, तो यहाँ लिखा आ रहा है द फॉर्म साइन अप इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, ट्राई कॉन्टेक्टिंग द ऑनर ऑफ द फॉर्म। ये लिखा हुआ है क्योंकि हमने जो है फॉर्म को यहाँ से बंद किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है यहाँ से एक्टिव हो गया है। नीचे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट फॉर्म लिखा हुआ है, डुप्लीकेट फॉर्म एज इट इज यही का यही फॉर्म फिर से बन जाएगा और आप इस फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड ऑप्शन, जहाँ लिखा हुआ है एडिट फॉर्म। आज भी ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आप लोगों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगता है, बाकी ये काम बड़े ही आसानी से और बहुत ही जल्द हो जाता है। हम एडिट फॉर्म पर क्लिक करने वाले हैं दोस्तों। एडिट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद एक वार्निंग आ रही है, ये वार्निंग कैसी है, ये वार्निंग बता रही है कि आपने जो फॉर्म बनाया है उसका सब कुछ सेट है, सारी फाइल सेट है और आप देख सकते हैं आप इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं या नहीं, तो ये इस तरह की जो है वार्निंग है, हम यहाँ एडिट कर रहे हैं। एडिट करने के बाद ये साइन अप नाम का जो कल हमने फॉर्म बनाया था वह देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है, आप इसको जो रिक्वायर्ड फील्ड है, आपके एट्रीब्यूट्स हैं, उनको आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है आपको, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, हम प्लस के साइन पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है, मान लीजिए कल मैंने आपको मल्टीपल चॉइस का और ऑप्शन नहीं समझाया था कल वाले वीडियो में, तो मैं यहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस पर क्लिक करता हूँ। अब मल्टीपल चॉइस पर यहाँ क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन में हम सिलेक्ट कर लेते हैं जेंडर, हम जेंडर और ले लेते हैं, ये जेंडर आ गया है। जेंडर आने के बाद मल्टीपल चॉइस में ऐड ऑप्शन करेंगे, ऐड ऑप्शन में हम यहाँ लिखेंगे मेल, ये हमने मेल लिख दिया है। सेकेंड ऐड ऑप्शन में जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे फीमेल, ये हमने फीमेल लिख दिया है। नीचे एक इनेबल का बटन लिखा है, उसमें लिखा है ऐड अदर ऑप्शन, आप अदर का ऑप्शन भी ऐड कर दें, तो हमने इसको इनेबल कर दिया है, ये इनेबल हो गया है। इस फील्ड को भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, ये फील्ड रिक्वायर्ड हो गई है। और ऊपर आपको राइट टॉप पे दिख रहा होगा सबमिट बटन का जो है यहाँ ऑप्शन, हम इसको क्लिक करेंगे सबमिट को, तो ये फॉर्म जो है यहाँ से एडिट होकर सेटिंग्स दिखाएगा और अपडेट हो जाएगा। देखिए लिखा आ रहा है अपडेटिंग फॉर्म, ये 2 से 5 सेकंड का टाइम लेता है। देखिए ये अपडेट हो गया है, अब ये आपको दिखा रहा है फॉर्म क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर कॉपी लिंक है, व्यू फॉर्म है, हम व्यू फॉर्म पर जाएंगे और देखते हैं एडिट करने के बाद हमारा फॉर्म किस तरीके से दिखता है। देखिए दोस्तों ये साइन अप फॉर्म जो कि कल हमने बनाया था, इसमें ये फील्ड्स हैं, फील्ड्स के बाद आप नीचे देख सकते हैं ये जेंडर का ऑप्शन जो अभी अभी हमने यहाँ पर एडिट किया वह आ गया है, जेंडर मेल फीमेल, अदर का ऑप्शन आ गया है, आप जो है अदर को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये था वहाँ से एडिट फॉर्म, और ये हमारे जो गूगल फॉर्म एप्लीकेशन है काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन है, इसमें ये सभी ऑप्शंस को आज मैंने आपको यूज़ करना सिखा दिया है। आपके जितने भी फॉर्म बने हुए होते हैं उसको आप यहीं से आसानी से हैंडल कर सकते हैं, हैंडल करने का प्रोसीजर काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छा है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन दोस्तों है, हर जो आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है
सर्वे हार्ट, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको समझाऊँगा ये क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे क्विज होते हैं, या फिर आप देखते हैं कि कुछ फॉर्म कलेक्शंस होते हैं, आपने फीडबैक फॉर्म देखे होंगे काफ़ी सारे वेबिनार सेमिनार्स में, उसको यहीं से ईजिली बनाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सकता है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।